नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल डूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश होने से पहले सपा विधायकों का धरना प्रदर्शन। विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष सपा विधायक धरने पर बैठे। सत्ता पक्ष का विरोध जताते हुए सपा विधायकों ने नारेबाजी की। विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध जताकर सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन। बड़ी खबर लखनऊ से। 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। विधानसभा की ओर बढ़ रहे अभ्यर्थियों को विकास द्वीप पर पुलिस ने रोक लिया। वहीं कई अभ्यर्थी इसमें बेहोश हो गए। जी हां, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर भेजा गया इको गार्डन। साइकिल से काले कपड़े पहनकर पहुंचे सपा विधायक। सपा विधायक सत्र में शाहिद बेग अनोखे अंदाज में पहुंचे। सरकार की नीतियों का अनोखा तरीके से विरोध किया। कपड़ों पर सरकार विरोधी नारे लिखकर जताया अपना विरोध। सरकार को किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर घेरेंगे, ऐसा बोले बेग। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर घेरा जाएगा सरकार को। वही कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों पर भी बात की जाएगी, उनको भी गिनाएंगे। लखनऊ से रिपोर्ट, रवि श्रीवास्तव। पिछले बार जो बजट पेश किया था उसमें कितना परसेंट खर्चा हुआ है सरकार पहले उसको बताए। भारी भरकम बजट पेश करते हैं और जनता के लिए कुछ होता नहीं है। मात्र 3 दिन का बजट सब चला रहे हैं ताकि जनता की आवाज जो इनका क्रियाकलाप है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको सदन में उठाया ना जा सके, इसलिए मैं अपनी आवाज बोल नहीं सकता हूं। इसलिए जो इनके क्रियाकलाप है बैनर लगा के मैं विधानसभा में हमने काम किया। तो सफेद कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े क्या वजह है? उसके कल काला, अकल सफेद तो आज काला है, तो हमारा अपना एक अपना तरीका है। सदन जो चल रहा है वो काला दिवस बनाने की कोशिश करेगा? नहीं, सदन चल रहा है वो चलेगा। हमारा विरोध करने का तरीका है वो तरीका रहेगा। हमारी आवाज को, जनता की आवाज को उत्तर प्रदेश की सरकार दबा नहीं सकती। आज जो हाल है, महिलाओं के साथ आए दिन घटना हो रही है, लाइन ऑर्डर बस से बदतर है, हैदरों को पेशाब पिलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार श्रम सीमा पे है। इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए योगी सरकार मात्र 3 दिन का बजट चला रही ताकि उसको अपनी बातों को जनता की आवाज को विधानसभा में रखने का काम न किया जाए। जैसे गाड़ियों को आप साइकिल से आते हैं? आप हमारा इतिहास निकाल लीजिए। एक गाड़ी के अलावा अभी विधानसभा से मैंने बैंक से लोन लिया है, दो गाड़ी हो जाएगी तो मैं विधानसभा इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैं बोल लेता हूँ उनके खिलाफ। आप जानते हैं किस तरह की सरकार चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या पार्टी को कोई नुकसान होने वाला लग रहा है? बयान से आते हैं? देखिए, ये मामला हमसे मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कहने आया हूँ। आपको मतलब नहीं है? ये सब मुद्दों से हमसे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा क्या क्या बोला हमको जानकारी नहीं है। जो जानकारी नहीं उस मुद्दे पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। हम अपनी बात रखते हैं, जनता की बात होने जाते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं। मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ, आज जनता के हित के मुद्दे की बात करने आया हूँ, उस मुद्दे से हम बढ़ रही है। आप मुद्दे की बात करते हैं। हमको जानकारी नहीं। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके बयानों को जानकारी नहीं। हमको जाए। ठीक है।